हमारी वाणी में तसल्ली होती थी, हम लोगों को कसौली में जाके काम करवाने पड़ते थे, डिग्री कॉलेज नहीं होता था, उन्होंने डिग्री कॉलेज दिया, टूरिज्म का तो कोई नामो निशान नहीं था। अरे मेरे भाइयों, एजाज साहब की बात से टूरिज्म सेक्टर बना है। हम पढ़नी वाले जो है, जितने भी पढ़नी वासी के लोग हैं, हम उनके अभी भी कर्जदार हैं। जब उन्होंने इलेक्शन लड़ी तो हम पूरा फैसला नहीं अदा कर सके, लोगों को जात पात के ऊपर बांटा गया, गुमराह किया और उनके हाथ से शीर्ष छीने, वो हमें बहुत ज्यादा भारी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से आज भी हम घसे खा रहे हैं। मैं सभी भाइयों के आगे यही अपील करता हूँ कि अभी जो मौका आया है, अभी जो हमें टाइम मिला है, ठीक है, इसको मत गवाई। हमें एजाज साहब का साथ देना है कि हमारे लोगों को कोई गर्दिशा निकल गई है, जिसकी वजह से उन्हें 50 साल के बाद कांग्रेस का इस्तीफा दे के और जम्मू कश्मीर के लोगों को भलाई करने के लिए मैदान में उतरे। अरे भाइयों, जो हमारा सुनहरी टाइम है, हमें बनी वालों को जो कभी नहीं भूलना चाहिए। आजाद साहब हैं तो हम हैं, और वो भाषण करते हैं, मेरा नाम आजाद नहीं है, मेरा नाम कलाम नबी आजाद है, कलाम नबी, ठीक है। हम सुनते हैं, हम देखते हैं, लेकिन अभी जो हमारे लिए बहुत सुनहरी टाइम आया रही कैंडिडेट की बात। अरे भाई, वो कैंडिडेट तो हम तो मलक को इशारा करते हैं, लेकिन इसमें सभी सरपंच साहबान बैठे हुए हैं, दूर दराज के लोग बैठे हुए हैं, जो फैसला कैंडिडेट का देंगे हमें वो ही मंजूर है। हम ये नहीं कहते हैं मलक साहब का साथ दीजिए, हम बात को नहीं कहते हैं, लेकिन हमारा बोलने का मकसद यही है कि मलक साहब गुलाम नबी आजाद साहब को जिताना है। जो जितने बैठे हैं, हम सभी चीफ मिनिस्टर भी हैं और MLA भी हैं, वो जानते हैं, वो रूम रूम जानते हैं, जहाँ की हिस्ट्री पूरी जानते हैं। हमें ऊपर वाले ने जो मौका दिया है और इस मौके को मत गवाएं, हमारी जो मजबूरी है और एजाज साहब को लाना जरूरी है, उनका साथ देंगे। साथ मीन्स हमें चाहे जैसे भी हो बनी की सीट उनको देनी है, कैंडिडेट कोई भी हो, कैंडिडेट की बात यहाँ नहीं है, लेकिन उनको देनी है। हर आदमी का ये फर्ज बनता है कि अपने दिमाग से काम लीजिए और अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए एक अच्छी पॉजिटिव सोच लेकर अच्छा कदम उठाइए। इसके लिए हमें जात पात, मजहबो मिलत या पार्टी, इन सब को दरकिनार रखना होगा। पार्टी अपनी जगह पे है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे पास एक मुद्दा है तो सिर्फ आज़ाद साहब। आज़ाद साहब को या तो यहाँ से जिता के भेजेंगे या जो भी यहाँ से हमारा कैंडिडेट होगा वो आज़ाद साहब की झोली में हम सीट बनी की डालेंगे। जो हमारी जम्मू कश्मीर रियासत की नैया इस वक्त समुद्र की लहरों में पड़ी हुई है, वही शेर आजाद साहब इस नैया को भंवर से पार लगा सकते हैं, बाकी हमारी सुनने वाला कोई नहीं। हमारे डिग्री कॉलेज, ITI कॉलेज, कस्तूरबा गांधी, टूरिज्म, इतना कुछ गिनाए, तहसील, तो जैसे आजाद साहब जहाँ आए तो उन्होंने कहा पोता है, दादा है, लेकिन बाप नहीं है, तो बाप भी उन्होंने दिया। तो मैं आपसे यही बार बार विनती करूँगा कि आप आज़ाद साहब के हाथ मजबूत कीजिए और अपने इलाके की तकदीर और तस्वीर को बदलवाइए। आज़ाद साहब, मैं तो कहूँगा कि भाई अगर हम अपनी सीट आज़ाद साहब के लिए ऑफर करें तो उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का MLA चीफ मिनिस्टर होगा उन्हें और क्या चाहिए। जो बुरे दिन थे वो मेरा ख्याल है वो खत्म हो गए और हमारे अच्छे दिन आ गए। अब मैं सब लोगों का साथ रखा, जब तक हम उसमें कामयाब कैसे हुए, क्योंकि हम हर कमेटी ने हमारे साथ साथ दिया है, तो हमने कामयाबी की है, वो कामयाबी आप लोगों की कामयाबी है। आप खुद अंदाजा लगाओ कि 4 बूटों वाला आज हमारे साथ BDC चेयरमैन बैठे हुए बाबू जी, क्योंकि पहले चलने के लिए कुछ चाहिए। इलाके को देखने वाले कुछ आदमी होते हैं जो इलाके को देख कर, आजाद साहब जी जिसने इतने साल कांग्रेस में गुजारे, दाग नहीं लगा, बड़ी इज्जत के साथ वहां से भी आए, कोई आदमी उस पर अंगुल नहीं उठा सका, पार्टी वाला नहीं उठा सका,
कोई विपक्ष वाला नहीं उठा सका। मैं जम्मू की बात करता हूँ कि जम्मू से ऐसा लीडर था हमारा, जो सेंटर में भी 50 साल रहकर बिल्कुल अपनी इज्जत के साथ बाहर निकला, और उसने भी यही बात बोली थी कि ऐसा लीडर, ऐसा इंसान जो हमारे ही जहाँ पैदा हुए, और पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं, हमारी जो जितनी भी पार्टियां हैं यहाँ, इनका तो दिमाग ही खराब हो गया है, बीजेपी का दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया है। इनकी है दादागिरी, तो इनकी दादागिरी की भी उठाने के लिए हमें इकट्ठा होना था। ये दादागिरी है इनकी, होश लोग हैं हमारे मल्हार के, वो सब जानते हैं कि आजाद है कौन। बाकी दुनिया जैसे जी है ना, बाकी स्टेट हमारी वो डिमांड कर रही है उनकी, तो हमारे तो यहाँ पैदा हुए, हमने डिमांड नहीं करनी तो किसने करनी। मैं कहता हूँ कि बीजेपी के जो भी जो बंदे हैं उनको भी इतनी खुशी हुई है कि जितनी बाकी वालों को खुशी, उन्होंने कुछ किया है, सबूत होना चाहिए किसी आदमी का, या जिस ईमानदारी होनी चाहिए, जो उन्होंने जो यहाँ इस बनी के इलाके तो वो अपना ही समझा, जब यहाँ आए तो वो यही कहते हैं कि मेरा ननिहाल यहाँ है। इतना प्रेम था उनको, जितना जोर उनके पास जुन से लगता था वो लगाया उन्होंने बनी के लिए, बनी के लिए सर्थल में कितना वो प्रोग्राम रखा था, इतना खर्चा किया था उसमें। तो मैं तो अपनी तरफ से यही राय देना चाहता हूँ कि आजाद साहब की तो सभी को खुशी है, लेकिन हमारा कुछ थोड़ा सा ग्रुप में मैं हम तो उस ग्रुप से सभी के साथ तालमेल करके आका उस दिल हो ना बोलता सका लंद रोए जबान नहीं नहीं बोलता जे सीवेल से रामायण करनी है ड्रामे देखना बोलनी है मारी चे और सबुए सब दुखी गई थे देखना विश्वामित्रा विश्वामित्रा पाठ करनी है देखना विश्वामित्रे बोलू के मारी चौर से बहु है बच्चा बच्चा दुखी हुआ बोलना उन बच्चा बच्चा दुखी ना हो सब के जीता आज बच्चा बच्चा दुखी ना के ना इंदे बच्चे कोई नौकरी मिलनी ना सो कोई राशन पहले 5 किलो चाहो देने किलो देने किलो भी ना उन्हें पूरे थे। 3-4 दिन हुए मेरी शादी को हुए तो मैं अपने भाई के साथ उधर मिलने गया तो उन बुआ जी ने बोला मेरी घरवाली को वो स्कूल आते जाते देखते थे तो उन्होंने उसके हाथ में चूड़ियां बिंदी बोला बेटा तूने शादी कर ली है बोला हाँ मैंने कर ली है शादी बोला कहाँ बोला उधर बनी में तो उनकी आंसू से खुशी का पानी निकला और कुंजर पे एक गरी का खोपा 3-4 मिक्सर लाए और चाय पिलाई उन्होंने बोला कि तू मेरे उधर मायके में गई है। दूसरी बात रही आजाद साहब की, आजाद साहब दुगना आए थे तो अपनी स्पीच करके बहुत चल पड़े उधर हेलीकॉप्टर की साइड तो हमारे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं ही पीछे पीछे दौड़ा तो हमारे किसी एक बंदे ने मल्स आजाद साहब ने पीछे देखा मुड़कर तो ऐसे रुक गए तो एक बंदे ने बोला चलो 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 जी उन्होंने बोला नहीं नहीं ये बंदा दौड़ता आया है क्या बात है तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया हाथ मिलाया उन्होंने मेरे साथ। तो आजाद साहब एक ऐसे लीडर हैं उनको हमारे बनी के साथ बहुत अच्छा लगाव है। तो आजाद साहब ने मैंने वो भी उनका भाषण देखा था जब लास्ट दिन था उनका पार्लियामेंट में तो मोदी जी की यही ख्वाहिश थी उनको लाने की जब मोदी जी के आंखों से आंसू निकले थे तो उनको मोदी जी की यही थी कि मैंने इनको प्रेसिडेंट लाना है इंडिया का तो हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट
उन्होंने उस टाइम अपनी पार्टी नहीं छोड़ी और इस जम्मू कश्मीर के लिए, अपनी रियासत के लिए जो उन्होंने आज कांग्रेस से रिजाइन दिया है, कांग्रेस ने उनको बहुत परेशान किया है, तो उस लिहाज से हम अपना तय दिल से कहते हैं कि हमने आजाद साहब के हाथ मजबूत करने हैं और आजाद साहब को जिताना है। जैसा कि हिंदुस्तान में बीजेपी मोदी के नाम पर वोटों लिया, लोगों ने वोटों जो काम के नहीं थे वो एमएलए बनाए, तो इसी तरह यहाँ भी आजाद साहब की देख रेख में आजाद साहब के नाम पर हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या सब एक। लेकिन एक बात जरूर है, मेरे दसवंत भाई ने कहा, सोलह ने कहा, जो बीज बोया है उसको उखाड़, जात पात का बीज जो है वो उखाड़, ये बहुत खतरनाक है। हमें जब डीडीसी की इलेक्शन आई थी तो हमने टमाटरों को पैदा किया था, तो ऐसे ऐसे पौधे लगाने पड़ेंगे। जात पात को दूर करो और सब एक हो जाओ, सब हम जात साहब के साथ हैं। जय हिंद जय भारत। साथियों अब मैं साहब बनाएंगे, उस वेले गला के मलक साहब, उस वेले तो मलक के आम आदमी है, ते तुस इयां खिताब देड़ दो बगैर साने आदा नचे जवाब दिंदा चेला। मैं अरज करंग और साड़ियां पार्टियां नहीं हैं, बाकी पार्टियां हुकुम करन दी निंदर सुते दे होंदे, अस ओ लोग जिस वेले तैयारी करनी है, इलेक्शन होनी है, मैं अरज करंग कि हर पोलिंग बूथ पर 5 मेंबरी कमेटी बनाई जाए, हर पोलिंग बूथ की हिंदू मुस्लिम सिख आजाद का नारा लाया जाए, गिनाने की कोई लोड़ नहीं, तुसें पता है सारे बच्चा बच्चा जानता है कि आजाद साहब की के नेचर है और के जानते हैं, वो अच्छा बंदा लियाओ, उस समझिए लियाओ जिदे साड़ा बेड़ा जो पार लगे, भावें कुछ ज्यादा हो, मजहब नहीं सिखा था आपस में ध्यान रखना है। आजाद साहब की सपोर्ट करेंगे, आजाद साहब ने जब रिजाइन दिया तो कितने पूरी कांग्रेस के लोग जितने थे पुराने सभी ने रिजाइन दे दिया, सभी आ गए इसी ग्रुप में, लेकिन हमने उनके साथ चलना है, भाषण करना कुछ और चीज है, अंदर से बात करनी कुछ और चीज है, प्यार से बात दिल से चलना है, उसी को भाषण करना, वही भाषण करना। मैं तो मलिक साहब से ये अर्ज करूंगा कि आप साथ चलें, चलना पड़ेगा, और हम भी बूढ़े लोग, हम उम्र है, आपके साथ जरूर चलेंगे, वादा रहा हमारे प्रमुख राज। बाकी आजाद साहब के मुकाबले का हमारे जम्मू प्रोविंस में या श्रीनगर में उनके मुकाबले का कोई लीडर नहीं है, लेकिन मैं इतना भी कहता हूँ कि सेंटर में भी उनके मुकाबले का लीडर कोई नहीं है, क्योंकि उनकी ईमानदारी, उनकी दयानदारी, उनकी वफादारी जो उनके पास है, हम उस वफादारी को अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो कितने ईमानदार आदमी हैं, इसलिए अगर हम इस समय को, इस वक्त को गवा देंगे तो हमें ये वक्त फिर कभी नहीं मिलेगा। मैं सभी साथियों से, सभी बुजुर्गों से, सभी भाइयों से यही अपील करता हूं कि हम सबको मिलकर उनका साथ देना है और उनको कामयाब कराना है। सभी का एक मकसद है कि आज़ाद साहब को जिताना है, यहां का जो चीफ मिनिस्टर बने। मैं मुख्तसर बात करता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। गवर्नमेंट कौन बनाता है? लोग बनाते हैं, लोगों की खातर है और लोगों की खातर इस्तेमाल होगी। कहते हैं पीछे कानून लगता है, कानून भी वही उनके खिलाफ लगता है। आज़ाद साहब की स्पीच करना और मोदी साहब का रोना, इसी से बात आप समझ लो कि फल कहाँ से लेना है, फल कहाँ खाना है, तो ये समझ लो आप बात कर। आज़ाद साहब का हमदर्दी आज देखकर एक छोटी सी मीटिंग में होने वाले एक लीडर ऑफ अपोजिशन हिंदुस्तान के और स्टेट के होने वाले चीफ मिनिस्टर डायरेक्ट खिताब कर रहे हैं हमारी मीटिंग से, इससे पता लगता है कि उनको हमारी बनी से कितना लगाव है। उन्होंने हमें क्या दिया ये तो आप सब जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ उन्होंने जो स्टेट दफा वो आए, जो हमने मांगा वो उन्होंने दिया, उन्होंने दिया, अब हमारा वक्त है कि हम उनको दें। और मेरी उन लोगों से जो आज